के अरबों में आहिस्ता 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 जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त बुत परस्ती के खिलाफ उसी इब्राहिम को नबी मानने वाले और उसी की औलाद में उन्हें अपना रूहानी भी और जिस्मानी भी बाप मानने वाले वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती पे आ गए दोबारा। उन्होंने भी अपने बुजुर्गों के मरने के बाद पहले तस्वीरें बनाना शुरू की, फिर मूर्तियां बनाना शुरू की। लोगों ने रोका होगा उस वक्त क्या कर रहे हो, तो वही दलील, जैसे आजकल मुशरिक के पास 100 दलीलें होती हैं। दलील क्या देते थे, भाई हम इनसे थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो महज एक वसीला है हमारी बात अल्लाह के दरबार तक पहुंचाने। मांग तो अल्लाह ही से रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको भी इख्तियारात दे दिए हैं, तो इनसे मांगो अल्लाह से मांगो बराबर। ये कुछ नहीं कर सकते, ये अगर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे और अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए हैं, जबकि अल्लाह कह रहे मैं नहीं देता इख्तियार किसी को, सारे इख्तियारात मैंने अपने पास रखे हैं। बार बार वो बातें मैं बताता हूं, फिर इश्कालात लोगों को होते हैं। फरिश्तों से जो अल्लाह काम लेते हैं ना, लोग कहते हैं फरिश्ते भी तो बारिश बरसाते हैं और फरिश्ते भी तो औलाद देते हैं। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को कहा कि मैं तुम्हें बेटा दे रहा हूं, लिया हबा लकी गुलामन जकिया, मैं तुम्हें बेटा हिबा कर रहा हूं, तो मुशरिक लोग क्या कहते हैं कि देखो जब फरिश्ता औलाद दे सकता है, ये शिर्क नहीं है, तो नबी क्यों औलाद नहीं दे सकते। जब अल्लाह ने फरिश्ते को औलाद देने का इख्तियार दे दिया तो नबी को इख्तियार क्यों नहीं दिया, नबी का मकाम तो ज्यादा है। याद रखो अल्लाह ने जिब्रील को किसी को औलाद देने का इख्तियार नहीं दिया, जिब्रील ने हजरत मरियम को बेटा दिया ही नहीं है। हजरत मरियम को बेटा किसने दिया है, अल्लाह ने दिया है, इख्तियार नहीं दिया, काम लिया है। काम लेना अलग चीज है और उसको इख्तियार दे देना अलग चीज है। मिसाल से बात समझाऊं तो समझ में आएगी उम्मीद है। देखो लिखने का काम आप कलम से लेते हो, लेकिन लिखने का इख्तियार कलम को नहीं देते। कलम समझते हो, पेन, कलम गाड़ी उर्दू हो गई है, पेन, पेन से आपने लिखा अलिफ, काम लिया ना पेन से, बे, ते, जिधर घुमाओगे उधर घूमेगा। ये नहीं होता कलम से बोले भाई तू जो मर्जी करना है कर, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला फरिश्ते से काम ऐसे लेते हैं जैसे राइटर पेन से काम लेता है, उसको जरिया बना देते हैं। तो जिब्रील ने जो कहा ना मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये निस्बत है मजाजी, असल में अल्लाह दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने मुझे कहा है कि जिब्रील तुम सिर्फ फूंक मार दो मरियम के पेट में, फूंक मार दो, तुम फूंक मारोगे अल्लाह की तरफ से हमल ठहर जाएगा, तभी अल्लाह की कुदरत है, यह जिब्रील की कुदरत नहीं है। तो जरिया बने थे तो मजाजन निस्बत कर दी, मजाजन निस्बत में हकीकत नहीं देखी जाती। अक्सर मैं मिसाल देता हूं ना कि आप कहते हो मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, बड़ी गाड़ी नहीं पंचर हुई, गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, लेकिन पंचर की निस्बत आपने गाड़ी टायर के बजाय शॉर्टकट में किसकी तरफ कर दी, गाड़ी की तरफ, कि भाई अकलमंद खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि गाड़ी और टायर का आपस में रिश्ता है। और आसान मिसाल, आप कहते हो यार मैं आज बिरयानी की 3 प्लेटें खा गया दावत में, कहते हैं ना लोग, अगला कहे यार प्लेट तो एक भी नहीं खाई जा सकती भाई, तुम 3 खा गए, तो वो कहेगा असल में प्लेट के अंदर जो बिरयानी थी वो खाई है मैंने। बोले नहीं नहीं तुमने तो प्लेट बोला है, तुम तो प्लेटें, वो बोले भाई वो क्योंकि बिरयानी और प्लेट का आपस में बड़ा गहरा लिंक है, तो मैंने कहा कि बिरयानी की निस्बत हटा के किधर कर दो निस्बत, प्लेट की तरफ कर दो, इसलिए कि तुम खुद समझदार हो कि प्लेट नहीं खाई जा सकती, तो लिहाजा उसकी तरफ निस्बत करने से मकसद क्या है कि अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बता दिया कि मैंने किसी को इख्तियार नहीं दिया ना औलाद देने का ना बिगड़ी बनाने का, तो इसलिए अल्लाह ने कहीं कहीं पैगंबरों की तरफ भी निस्बत कर दी, कहीं फरिश्तों की तरफ भी कर दी, कि इनको तौहीद का अकीदा इतना अच्छी तरह समझा दिया है कि अब अगर पैगंबरों की तरफ निस्बत होगी तो ये खुद समझ जाएंगे कि काम पैगंबर ने नहीं किया, उनके हाथ से अल्लाह काम ले रहा था, उनको जरिया बना रहा था, उनको इख्तियार नहीं दे रहा था, समझ जाएंगे खुद ही। ये इस बात को हर जगह वाजह करने की जरूरत नहीं रहेगी, बात आ रही है समझ में। यही अब लोग कहते हैं कि चलो काम अल्लाह उनसे ले रहा है,
हमें पता है जब अल्लाह पैगंबर से या वली से भी काम ले सकता है तो वली से मांगने में फिर क्या हर्ज है? करेगा तो अल्लाह ही, लेकिन लेगा तो उनसे ना काम। सवाल समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि ठीक है, हम भी कहते हैं कि अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, लेकिन अल्लाह काम तो पैगंबर से लेता है ना, या फरिश्ते से लेता है ना। अल्लाह ने काम पैगंबर से लिया, चांद के दो टुकड़े कर दिए, कि ये अल्लाह ने जरिया किसको बनाया? पैगंबर को। तो हम जब, आप जब मानते हैं कि अल्लाह पैगंबर को जरिया या वली को जरिया बना देते हैं, तो जो जरिया होता है उससे भी तो मांगा जा सकता है ना। जैसे सदर ममलिकत काम लेते हैं गवर्नर से, जरिया बना देते हैं, तो गवर्नर के पास भी तो हम एप्लीकेशन लेके चले जाते हैं। तो अगर हम अल्लाह से मदद मांगे और या रसूल अल्लाह मदद कह के रसूल से मांगे, तो क्या हो गया? कर तो अल्लाह ही रहा है, मगर नबी के जरिए कर रहा है ना। सवाल आया समझ में? जवाब, अगर मैं सवाल देके भाग जाऊं मुझे छोड़ देंगे आप लोग? सवाल कर, इतना अच्छा हो मैं सवाल करके लटका के बोलूं मैं नहीं जवाब दे रहा। जाओ पैसे निकालो, सब लोग पैसे निकालो, फिर जवाब मिलेगा। फ्री फ्री की चीजें मिल रही है ना, खामखा की तो कदर नहीं होती। अब जितने बयान में मेरे सवाल आए करेंगे ना, 50 रुपए के हिसाब से सबसे ले लिया करें, ठीक है? ठीक, जो जो 50 रुपए देगा उसको अलग में ले जाके सवाल का जवाब दे। खैर मजाक कर रहा हूं आपसे, कहीं 50 रुपए निकालना ना शुरू कर दें। देखो सवाल ये होता है कि जब अल्लाह ने इनको अगरचे इख्तियार नहीं दिए, लेकिन अल्लाह जरिया इनको बना रहे हैं, तो हमने इनसे मांग लिया तो क्या हर्ज है? जैसे सदर ममलिकत गवर्नर से काम लेते हैं, इलाके के नाजिम से काम लेते हैं, तो हम कभी सदर के पास एप्लीकेशन और कभी नाजिम के पास, दोनों में फर्क समझो। सदर की तरफ से गवर्नर को और नाजिम को बाकायदा इख्तियारात होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सदर उनसे काम लेता है, बल्कि बाकायदा उनको इख्तियारात मुफव्वज किए जाते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया जाता है, फौज को जंग लड़ने का इख्तियार दिया जाता है, वजीर आजम को बजट अनाउंस करने का इख्तियार दिया जाता है, अगरचे उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि अल्लाह पैगंबर को या फरिश्ते को इख्तियार नहीं देते। जैसे कलम को आप इख्तियार नहीं देते, काम लेते हैं, जरिया बनाते हैं। अब दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो कलम से लिखने का मुतालबा करे। कोई बेवकूफ ये कहे कि चूंकि कलम जरिया बन रहा है लिखने का, लिहाजा मैं लिखने का मुतालबा कातिब के बजाय किससे करूंगा? बोलो भाई, कलम से। अब मेरे हाथ में पेन है, कोई बंदा मेरे पास आया कि मुझे कोई तहरीर लिख के दे दो ये वाली। अब मैंने कलम के जरिए तहरीर लिखी, आधी लिखी थी, उसने कहा चूंकि आपने कलम को जरिया बनाया है, आइंदा में डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन देने के बजाय किसको दूंगा? पेन से कहूंगा, यार तुम खुद ही लिख दो। वो कहेगा मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मेरा कातिब जिधर को घुमाएगा मैं उधर को घूमूंगा, इसमें मेरे इरादे का जर्रा बराबर भी दखल नहीं है। इसी वजह से हम बारिश अल्लाह से मांगते हैं, बारिश बरसाने वाले फरिश्तों से नहीं मांगते। आई समझ में कि नहीं आई है? बारिश किससे मांगी जाती है? अल्लाह से। जिब्रील ने हजरत मरियम को बेटा दे दिया, आज तक किसी ने जिब्रील से बेटा नहीं मांगा, क्योंकि उस कलम की तरह जरिया बने हुए हैं। मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो फूंक मार के चला जाऊंगा भाई। जबकि हुकूमत नीचे तबके के लोगों को इख्तियारात देती है। वजह उसकी यह है कि हुकूमत कमजोर है, सारे काम खुद से नहीं कर सकती, रश लग जाएगा, इसलिए हुकूमत में बिल जमा करने का इख्तियार फलां बैंक को दे दिया। वरना सदर साहब बैठे हुए होंगे, बोलेंगे सारे काम मैं करूंगा। सारे काम क्या करेगा? मैं करूंगा, मैं ही लड़ूंगा भी, मैं ही ये भी करूंगा, तो इंसान है। जबकि अल्लाह सारे काम खुद कर सकता है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, फरमाया उसे ना नींद आती है ना थकावट होती है। अल हय्युल क़य्यूम है, जिंदा है, पूरी कायनात को थामे हुए है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहा है, करोड़ों नौयतों के काम एक एक सेकंड में कर रहा है, और वो थकता नहीं है। तो उसको जरूरत नहीं है अपना कोई वजीर या अपना कोई नायब बनाने की कि भाई मैं सारा सबको देख नहीं सकता, कुछ तुम कर लो, ऐसा नहीं है। तो इस शिर्क की नफी है कुरान में। ये वाला शिर्क कभी भी नहीं हुआ कि अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह है। मुशरिकीन से जब पूछा जाता था
कुरान में जगह जगह ये आयत है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने बनाया, लयकूलुल्लाह, कसम उठा के कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने। आज जो मुशरिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसी ने सब कुछ बनाया, हमारे नबी को भी उसी ने बनाया, तो हम मुशरिक कहां से हो गए? भाई आप मुशरिक इसलिए हो गए कि आप कहते हो अल्लाह ने नबी को बना के, अल्लाह ने अपने पास भी इख्तियारात रखे हैं और नबी को भी इख्तियारात, बोलो भाई, दे दिए। यही तो शिर्क था। वो कहते थे बुतों को दे दिए, आप कहते थे नबी को दे दिए। तो अल्लाह कहते मैंने किसी को नहीं दिए। अल्लाह की जात में किसी बुत को शरीक करो या पैगंबर को शरीक करो, काफिर होने में दोनों, बोलो ना, बराबर। ईसाइयों ने अल्लाह की जात में किसी बुत को शरीक किया है? किसको शरीक किया है? हजरत ईसा इब्ने मरियम, एक बहुत मुकद्दस पैगंबर जो कुर्बे कयामत में नाजिल होंगे। गांधी के खिलाफ एक टाइट दलील दे दूं, आ रही है, नाम फिर आ गया, दे दूं। ये जो गांधी साहब कहते हैं ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा नहीं है, कुरान में दो जगह मुझे याद पड़ता है अल्लाह ने हजरत ईसा के बारे में कहा, वह युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौराता वल इंजील। बेचारे का कुरान का लफ्जी तर्जमा भी नहीं पढ़ा हुआ गांधी ने। अगर सिर्फ लफ्जी तर्जमा पढ़ लेता तो ये बातें ना करता। लोग कहते हैं आप गांधी के सामने बैठ के क्यों बात नहीं करते? हमें उनके पास कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं है। चुन चुन के बेचारे फारिग फारिग तरीन लोग, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा हूं, लेकिन इंशाल्लाह गांधी साहब की जो बातें हैं उससे पर्दा चाक अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूं। तो फारिग फारिग तरीन किस्म के जो बंदे हैं ना, लाके बिठाया जाता है, और जब इन लोगों को कहा जाता है कि फला मौली साहब आ रहे हैं, ये तैयार नहीं होंगे आपसे बातचीत के लिए। अब दुनिया को ये चीजें थोड़ी नजर आ रही होती हैं, दुनिया कहती है हर मौलवी को शिकस्त देता है भाई, हर कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता। मैं एक दफा बचपन में वो खेल रहा था शतरंज, शतरंज खेलना जायज नहीं है, बचपन में थोड़ा बहुत शौक था, तो मुझे कोई खेलने के लिए मिल नहीं रहा था, तो मेरा भांजा था बहुत छोटा, 5 साल का, मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा वो खेलो, तो मेरे बड़े भाई ने देखा, बोला इससे छोटा नहीं मिला कोई, इससे छोटा मिला नहीं मिला कोई, इसको हरा रहे हो यार बैठ के। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा कोई खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन एक बात है कि जैसा भी हो हराने का मजा आता था, ठीक है ना, हराने का अपना मजा होता है। तो पहले से ही ऐसी पार्टी लेकर आओ सामने जिसको हराने का मजा। तो लफ्जी तर्जमा भी बेचारे ने पढ़ लिया होता ना कुरान का, तो ये बातें ना करता। कुरान में आता है कि हमने ईसा इब्ने मरियम को तौरात भी सिखाई, इंजील भी सिखाई और अल किताब भी। दो आयतें तो इस वक्त मुझे याद आ रही हैं जिसमें अल्लाह ने अल किताब का, तौरात तो समझ में आती है हजरत मूसा पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे लाजिम हुई, अल किताब क्या है? अल किताब अरबी में अल जब लगता है ना तो मखसूस किताब, जिसको सब जानते हैं, अल वहां लगता है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं आपसे कहता हूं जानी रजुलुन, मेरे पास एक बंदा आया, क्योंकि ये भी मारूफ नहीं है ना, मारूफ नहीं है, तो मैं इस पर तनवीन लगाऊंगा, अर रजुल नहीं कहूंगा, मैं इसे क्या कहूंगा, रजुलुन। क्या कहूंगा? रजुलुन, एक बंदा, कोई बंदा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जब वो बंदा मुझसे बातचीत शुरू करेगा तो आपके जहन में उस बंदे का तस्वीर पहले से आ चुका है कि वो जो बंदा है ना, वो जो आया था उस वक्त तो अननोन था। अब मैं क्या कहूंगा, रअईतुर रजुला, मैंने उस बंदे को देखा, अलैहि कलंसुवतुन, उस पर एक टोपी थी या कुछ भी था वो। तो अब जब दोबारा उसका तस्करा आएगा तो रजुल नहीं होगा बल्कि अर रजुल, क्योंकि एक दफा उसका जिक्र पहले हो चुका है। इसको कहते हैं माहूद, जहन में वो मुस्तहजर हो गया है मखसूस, क्योंकि अब आपका जहन खुद बखुद उस अल के लफ्ज से खुद बखुद जाएगा कि ये वही आदमी है जिसकी पहले बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यूं कहता हूं जानी रजुलन, एक बंदा आया, रई तो रजुलन, मैंने बंदे को देखा, तो यहां बंदे से वो वाला बंदा मुराद नहीं है बल्कि कोई दूसरा है। अलिफ लाम लगाने से और हटाने से इतना फर्क पड़ जाता है अरबी में। तो कुरान ये नहीं कह रहा वह युअल्लिमुहु किताबन, अल्लाह हजरत ईसा को तौरात का इल्म भी देगा, इंजील का भी देगा और एक मखसूस किताब है उसका भी देगा,
अगर वो किताबन का लफ्ज होता ना, अल्लाह लगा होता, हम कहते पता नहीं कोई होगी, अल्लाह ने कोई किताब रखी होगी। अल्लाह कह रहा है अल किताब, अल्लाह उनको तौरात भी सिखा रहा है, इंजील भी सिखा रहा है, और एक ऐसी किताब जिसको तुम सब जानते हो वो वाली किताब भी अल्लाह ने उनको सिखाई है। अगर उनको दुनिया में आना नहीं था तो अल्लाह ने कौन सी, वो कुरान के अलावा, पहले बात तो ये कि वो अगर कुरान नहीं है तो फिर कौन सी किताब है जो अल्लाह ने सिखाई है उनको, और अगर कुरान सिखाया है तो हजरत मूसा को क्यों नहीं सिखाया, हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं सिखाया, हजरत इदरीस को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में क्यों नहीं है कि हमने उनको अल किताब सिखाई है, हजरत ईसा को क्यों है कि हमने उनको ये कुरान सिखाया हमने, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस उम्मत में नाजिल, बोलो भाई, होना है। इसलिए मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। ये बड़ी नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, और मैंने बताया ना कि अगर एक को मानोगे तो पूरी उम्मत को गुमराह करार देना पड़ेगा।